अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब। तो आज है वलीमे का नेक्स्ट डे। जी हाँ, रात में हम लोग आए थे मंडप से और रात के 2 बजे, और घर पे आके मैंने सब बच्चों को फ्रेश किया, सुला दिया, और उसके बाद मैंने एडिटिंग की और मैंने रात में ही व्लॉग डाल दिया। पता नहीं कितने बज रहे थे, 4:30-5 कुछ ऐसा बज रहा था वक्त, मैंने रात ही में व्लॉग डाल दिया, क्योंकि फिर वो आगे पीछे हो जाएगा ना। मतलब फिर मेरा ऑलरेडी शादी और वलीमे का गैप इतना है कि हम लोग के व्लॉग थोड़ा थक थक के आते हैं। हम लोग एडिट करते हैं, आप लोग तक प्रोवाइड करते हैं, तो लंबा खींच ही रहा है देखा जाए तो मैं नहीं चाहती थी एक दिन और लंबा खींचे। तो मैं बोली चल जहाँ डाल देती हूँ, सुबह में देख लेंगे आप लोग, क्योंकि सुबह में तो मेरे घर में मुझे एडिटिंग करने मिलती नहीं, और मैं सुबह और दोपहर में ब्लॉग डालती नहीं हूँ। जो भी है मैं रात के 8-9 बजे के बाद ही ब्लॉग डालती हूँ। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लेट 1:30-2 बजे तक आया है मेरा ब्लॉग, लेकिन इस बार मेरा ब्लॉग कुछ ज़्यादा ही लेट आया, मेरे को अभी एग्जैक्ट टाइम भी नहीं मालूम। और मुझे इस तरह से नींद आ रही थी, मैंने ब्लॉग एडिट किया और जाके सो गई, मैंने व्यू भी नहीं देखा था, लेकिन माशाल्लाह सुबह में उठ के देखी तो अच्छे व्यू थे। अब आ गई हूँ मैं यहाँ पे क्लीनिंग करने। आप लोगों को मैं घर का हुलिया बताती हूँ। ये है मेरे कपड़े जिसको मैंने अभी फोल्ड किया, ये मेकअप वेकअप करके कल हम लोग ऐसे ही भागे थे, और रात में आने के बाद मैंने इसको अरेंज नहीं किया क्योंकि मुझे करनी थी एडिटिंग और वीडियो अपलोडिंग, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बोला। तो ये है उज़्मा की चूड़ी और एक्सेसरीज, ये है मेरी चूड़ी, मैंने अपने ईयरिंग उठा के अभी अंदर रख दिया। तो मुझे याद आया कि मुझे ब्लॉग शूट करना चाहिए। मैंने क्या किया नेक्स्ट डे, मेरा बहुत दिल है अम्मी के साथ जाने का, आज सारे औरंगाबाद वाले वहाँ पे है। ये है आज़म का ड्रेस जो कि है बड़ा हो रहा है, आज़म सो रहा है हॉल के अंदर, उसको सुला दिया। अरे उठ रहा, मेरी आवाज़ से उठ रहा। अच्छा, आज़म का कपड़ा मैंने चेंज कर दी। ये कपड़ा कल नहीं कि अम्मी के साथ जाने के टाइम पर पहना था 1 घंटे के लिए, तो ये भारी रखा हुआ था यहाँ पे, धोने में डाली थी, तो मैंने यही पहना दी। आज इसको नहीं लाएंगे, आज नो नाउ नाउ, ठीक है ठीक है, जब तक ये कफ खत्म नहीं होता है। हाँ बोला। ना जाने का सच्ची में मन कर रहा है, लेकिन है ना घर में इतने काम है, और प्लस वैसे ना आपके भाई जान आ जाना लेट आएंगे काम पे, सो गए काम पे, आज फ्राइडे ना, फ्राइडे को लेट ही आते काम पे। और मैं अम्मी की तरफ से बोल सकती हूँ मुझे किसी को लेने आओ बोल के, लेकिन है ना वहाँ से आएगी स्कूटी चाहिए, और मुझे स्कूटी पर बैठने डर लगता है। पहली बात तो मुझे बैठने नहीं जमता स्कूटी पर, भले छोटा रास्ता है लेकिन मेरे को डर, पता नहीं है, मेरे को ना अच्छा नहीं लगता स्कूटी पर बैठने के लिए। और यहाँ से ऑटो क्या बोल के लेके जाओ, कैसे लेके जाओ, अब तक गई नहीं ना, है ना आज। अच्छा, मुझे एक और बात शेयर करनी थी आप लोगों से। ये जो ब्रेसलेट मैंने लिया था ना, ये जो ब्रेसलेट मैंने लिया है, इसमें आप एक जगह देखो कुछ तो कमी है। मैंने उस वक्त पे नहीं देखा था, एक दो दिन रुक के देखा था, तो आप लोग भी देखो कहाँ लिखेगा यहाँ जो कुछ तो कमी है। नोटिस हुआ, नोटिस किया आप लोग ने, रुको नजदीक से बताती हूँ। ये है मेरा ब्रेसलेट, इसमें एक कमी है जो मैं अभी नहीं बताऊंगी, मैं देखना चाहती हूँ आप लोगों ने वो कमी पकड़े के लिए, ठीक है। एक नहीं दो कमी है, आप लोग बताना क्या कमी है, ठीक है। तो वो कमी के लिए मैंने ये ब्रेसलेट लेने के एक दिन बाद ही उनको लेके जाके दे दिया था, ताकि वो मुझे इसको पूरा करके दे दे। तो उन्होंने बोले थे कोशिश करूँगा, अगर पूरा हुआ तो पूरा कर दूँगा, अदरवाइज आपको सेम वजन का दूसरा ब्रेसलेट दे दूँगा बना के, है ना सर। तो 3 दिन ये ब्रेसलेट उनके पास ही, 3 नहीं ज़्यादा दिन उनके पास ही था ये ब्रेसलेट। लेकिन शादी थी ना हमारे घर में, तो मैंने शादी के मतलब निकलने में हैदराबाद के लिए निकलने के एक दिन पहले आपके भाईजान को भेजा था सुनार के पास कि देखो हो गया क्या ब्रेसलेट का काम। तो उन्होंने ये ब्रेसलेट संभाल के रखा था, और उन्होंने बोले कि इसमें वो नहीं हो सकता, आपको नया ब्रेसलेट ही लेना पड़ेगा। तो वो सेम टू सेम दूसरा ब्रेसलेट बना रहे हैं सेम वज़न का, तो वो मुझे दे देंगे, बट वो मुझे तब नहीं मिल सकता था शादी के टाइम पे, और मुझे पहन के जाना था, हाथ खाली लेके नहीं जाना था, तो उन्होंने ये मुझे पहनने के लिए दिया था। तो अब इसके लिए भी वापस सुनार के पास जाना है, नया ब्रेसलेट लाना है, और साथ ही साथ सोच रही हूँ इस बार जाऊँ सुनार के पास तो नया चैन का पेंडेंट सेट ले लूँ जो घर में पहन सकूँ। बहुत दिन से पहन रही ना ये और इसका ईयरिंग, तो आप चाहती हूँ कि ईयरिंग चैन के पास कुछ अलग हो ताकि अलग लुक आए। एक ही जैसी ईयरिंग काफ़ी टाइम से पहन रही थी, एक ही जैसा लुक आ रहा है, तो जाऊँगी ना सुनार के पास इंशाल्लाह। भी जस्ट वही सोच रही थी कि नया पेंडेंट सेट ले लेती हूँ, नया चैन, नया ईयरिंग, ताकि थोड़ा अलग लुक आए, है ना सर। तो मैंने याद आया मुझे कि मैंने आप लोगों के साथ ब्रेसलेट की बात भी नहीं शेयर की थी, तो मैंने शेयर कर दी। तो मैंने आज़म को यहाँ लेके आके इसमें बिठा दी ताकि ये मेरे बाजू में रहे और मैं अपना काम कर सकूँ।
इमरजन अभी अच्छे से बजाता है। एक काम करने दे भाई, ऐसे नाटक मत कर। तो फाइनली यहाँ से मैंने सारा सामान उठा दिया है, अब सिर्फ झाड़ू बात बाकी है। आजम यहाँ पे मेरा बच्चा अभी भी खेल रहा है, अभी मैंने उसको उसका फेवरेट खिलौना दिया, ये उसकी ये रिंग ना अच्छे से ग्रिप में पकड़ लेता है तो थोड़ा टाइम तक खेल लेता है ऐसा है। और मेरे को बहुत बेकार वाली सर्दी हुई है। अले मैं तो कल शादी में से आने के टाइम पे ना अम्मी ने आने के बाद एक्चुअली में अम्मी ने ना खाना भिजवाए थे स्टार्टर वगैरह पूरा खाना, तो मैंने ना क्या की थी पता, पूरा फ्रिज में ही रखी हुई थैली में है, मैंने गर्म भी नहीं की क्योंकि रात में खा के आए थे, पेट भरा हुआ था, मुझे थोड़ी सी भूख लगी थी एडिटिंग करने के बाद, तो मैंने थोड़ा ये स्टार्टर निकाली थी खाने के लिए, लेकिन फिर भी मैं नहीं खा पाई और मैं सो गई, मुझे बहुत नींद आ रही थी, तो वही मैं अभी गर्म कर रही हूँ और ये खा लेती हूँ, बाद में आराम से घर साफ सुफ हो जाएगा ना फिर पूरा खाना निकाल के गरम करूंगी और प्रॉपरली खाऊंगी, तो ऐसा है अभी यही खा ले रही हूँ। मैं आजम को दिखाऊं, चलो मेरे साथ। उसमें थोड़ा बदलाव आया है जब से हैदराबाद से जाके, मतलब हैदराबाद नहीं है, शादी वाले माहौल में जो यहाँ पे दो तीन दिन हम लोग ने इंजॉय किया, ये माहौल गर्दी वाला माहौल उसमें, फिर हैदराबाद में, फिर वली में, मतलब ये माहौल से ना थोड़ा आजम ऐसा हुआ है। देखो पहले अकेले रहूंगा इसलिए बोलता था, पहले रहता ही नहीं था अकेले, क्या पता ये माहौल की वजह से हुआ या ये 15 दिन में उसकी ग्रोथ माशाल्लाह से अलग हो रही है, अभी थोड़ा बहुत अकेले रहता है आजम, है ना आजम का दे डाली चल का क्या कैसा गुगली करो गुगली करने के पहले उसको गुगली बता करो गुगली ए ए ए ए ए ए ए गुगली रे टी टी उसको गुगली बहुत लगती है। चलो जल जाएगा वो, मैं पूरा खाना निकाल के इसलिए गर्म नहीं कर रही क्योंकि सब अलग अलग टोप में मुझे रखना पड़ेगा और फिर किचन साफ करने में मुझे दिक्कत आएगी, तो इसके लिए पहले साफ सफाई हो जाए फिर खाना निकाल के खाएंगे आराम से भाई। तो ऐसा तो जा रही मैं फाइनली अम्मी के घर पे, मैंने वही ड्रेस पहन लिया जो मैंने कल 1 घंटे के लिए अम्मी के घर जाने के टाइम पर उस आजम के साथ पहना था, सेम टू सेम अम्मी बेटा एक जैसा ड्रेस वापस रिपीट मारे और आजम को आ रही नींद, लेकिन अभी मैं उसको सुलाऊं कि लेके जाओ भाई, चलता चलता चल रहा अम्मी के साथ, आग बंद करता खोलता, आग बंद करता खोलता, चल जाके आते चल, टेंशन है रिक्शा मिलना चाहिए यहाँ से, चलो देखते हैं जैसे भी जाऊंगी आप लोगों को बताऊंगी रिक्शे से गई तो रिक्शे से, नहीं तो पैदल जाना पड़ेगा, चल बाबा चल चल चल। गाइस ऑफ मेरी अम्मी को, मेरी अम्मी की सोच देखो, मेरी अम्मी ने क्या किया हुआ देखो, मेरे बच्चे को रियाज का उतरा हुआ हार पहना है, क्या बोलते रियाज के बाद अब तेरी शादी, बताओ ऐसा कौन करता है अभी अभी, इसके ऊपर डेफिनेशन मेरी अम्मी देंगे आप लोगों को, ये क्या बात है, सबसे छोटा है घर में वो, इसके पहले भी और है, यूसुफ है, तबरेज है। तब्बू तो इससे छोटा ही दिखने वाला है, ये ही बड़ा ना, तभी रियाज की शादी होगी, रियाज का सब हो गया, यूसुफ अरे बाप यूसुफ की शादी का बात नहीं अभी तो सोच ही नहीं सकता, अरे वाह मेरे बच्चों को पकड़ा लो पहले, ये क्या बात है, ये मेरा बेटा दूल्हा बनेगा, देखो दूल्हा कितना मस्त लग रहा है ना, ये क्या बात है, चाचू का पुत्रवा हार पहना है गले का, है ना मम्मा मस्त लग रहा है, देख कितना खुश दिख रहा हूँ, देख जरा देख, है ना मम्मा हार पहने थे कितने अच्छे लग रहे, जरा फोटो खींच रहे, मिलनी मिलनी चिड़िया उड़ेगी ना तभी भी ऐसी हार पहनेंगे अभी, ऐसा कहा बोलते बाबा मेरा बच्चा है ना बहुत जल्दी, मतलब माशाल्लाह से उसकी एक्टिविटी शुरू हो गई, मैं सोची थी ना ठंडी आएगी ठंडी तक के मैं उसकी कर दूंगी, उड़ने पे भी उसने ना करवट वरवट लेने लग गया, धान धुन लाते मारने लग गया, तो अभी थोड़ा सोचना पड़ा, सब लोग एक साल का सब लोग बोल रहे अभी मत ले रिस्क, क्योंकि मस्ती करोगे ना पलटी मारता है, और ऐसे टाइम पे खतरा नहीं करने का, बच्चा पलटी मारता है वही बहुत परेशानी हो जाती है, तो इसके लिए अभी देखो इन्होंने तो क्यों मेरे बच्चे को क्यों बता रहे तुम, मैं बोली नहीं अभी मेरे बच्चे को मत बताओ तुम, अभी एक तब्बू को भी पिना दे, यूसुफ को पिनाओ तुम, यूसुफ को अच्छा बचा के रख रहे हैं और इन लोगों को बस फंसा रहे हैं।
देख ले तू। अच्छा अच्छा आजम के साथ, आजम के साथ। अरे एक बार खाली दादी की बात सुनता ना तू। अरे नहीं नहीं ठीक है, देखे मेरा बेटा इतना प्यारा। ठीक है बाबा, ठीक है बाबा कर दो। ये दूल्हा ये दूल्हा ये दूल्हा ये दूल्हा मेरा दूल्हा दूल्हा दूल्हा। देखो देखो ऊपर लोग आदम इधर फोटो में कैमरे में कैमरे में इधर देखो इधर कैमरे में आदम आदम तो देख रही नहीं है वो मेरे को देख रहा तो ऐसा तो देख रहा पलट पलट के। हां ऐसा ऐसा अम्मी देखो 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 यूसुफ देख यूसुफ देख यूसुफ देख जल्दी देखो अरे भाई ने आ देखा मुटकी चट टकली। वो उसका कपड़ा चेंज कर रही है इसलिए नहीं दिखा रही। और नंगू पुंगो पलाया मैं तबू बेटा नंगू पुंगो है चॉकलेट खा के पूरा गंदगी फैलाया था अब जाके नहा के आया। ये देखो और ऐसा ही कुछ है पूरे पैर पे मुंह पे हाथ पे सांप के साथ ऐसा। अभी रियाज लोग भी बैठे थे बातचीत कर रहे थे अभी गए बाहर कुछ काम से। अभी मैं भी जाऊंगी उस्मा के स्कूल से आने का टाइम है। दुबई से सब्सक्राइबर आए थे उनको छोड़ने गए। ऊपर देखो मम्मा ये देखो अम्मी को देखो इन किसको भी नहीं छोड़े देखो। अरे बस ना अरे बस करो हम लोग ने ऐसे ही सोचे थे दोनों की खतना एक साथ कराएंगे दोनों की सुन्नत एक साथ कराएंगे दोनों को दूल्हा बना के ऐसा बिठाएंगे लेकिन क्या बोलूं अभी क्या फोटो खींचे ये तो देखो चिक 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 ये दीदी निकाल दो अभी बहुत वजन लग रहा होगा अभी मामू के हार पिनाए जा रहे हैं अभी। अरे रे रे रे। सलाम करो अद्दा करो अद्दी करो अद्दा करो कल अल्लाह अल्लाह करते करते गिर गया वो जोर का अल्लाह आ गया था ऐसा कर रहा था अल्लाह 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 करके तेरा भी बंदा हो गया मच्छर मोटे चले जा रही इस तरह मच्छर के अंदर ये नानी की जा नानी है नानी ये भी नानी है ना पूरी दूसरी है क्या नहीं एक के नहीं है क्या नहीं है क्या नहीं है क्या नहीं चलो जाओ चला चल बेटा आजा आएगा आजा आजा तबरेज भी ऐसी करता है कभी कभी परेशान हो गया वो बिचारा बोले क्या कर रहे मेरे साथ चला ना अरे मेरा बेटा स्कूटी पे बैठने का मेरे को डर लगता है अले मिला बेटा कैसा देख रहा देखो ना अपनी अम्मी को लेने वाले तो नानी आज कितना बिजी है देख रहे हो आज ये तो घर ही नहीं जाने का पहली बार तो इतना टाइम एक साथ उठाओ नानी आवाज है कि मस्ती देख रहे हो अमित आ गया अमित मम्मा मैं बर्थडे से खेल ली ना तुम्हारे साथ है ना अमित देखती हूँ मैं पता रास्ते के चल बेटा आजा अब अपना ख्याल रखना आज वलीमे का सेकंड डे और घर की हालत थोड़ी आराम करने लायक थी उसमें मैं आकर अम्मी को आराम नहीं करने दी नहीं 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 आज आराम की थी नहीं एक्चुअली सुबह में हमारे औरंगाबाद वाले
गए यहाँ पे रिलेटिव से मिलने के लिए, तो अब फिर उसके बाद ससुराल वाले हैं। फिर ससुराल वाले जैसे ही दिल्ली से जा रहे थे मैं आ गई, अम्मी को लेट नहीं मिला, आप थोड़ा जाके अम्मी लेट जाओ थोड़ा, फिर आ जाएंगे ना कोई, तो उससे पहले थोड़ा आराम करके उठो तुम, ठीक है? क्योंकि ना अम्मी को भी ना घर में काम 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 कंटिन्यू बिजी रहने की आदत है, जाओ जाके अभी आराम करो। चलो गाइस घर पे मिलते हैं, चलो। गाइस मैंने व्लॉग एंड कर दिया था, शाम में अम्मी की तरफ से आई थी, तभी उज्मा को पिकअप करने का था, 6:30 बज रहे थे तो मैंने व्लॉग एंड कर दिया था, लेकिन आपके भाईजान आ गए वही समय पे और सो के उठ गए मस्त आराम करके, खाना वाना भी हो गया, खाना वाना भी लोग ने अभी खाए 9 बजे, अब बज रहा है 9:30, अभी फ्री फोकट हो गए ले, तो ये लोग सुनते सुने ना मैं जाके आई अम्मी के घर पे, तो अभी लोग जाने का है, ये भी जा रहा वापिस अम्मी के घर, नानी के घर जा रहा वापिस, नानी के घर जा रहे अच्छी मेरा बच्चा नींद में छोटा है तो ये उसको भी लेके जा रहे, बोले तो मैं बोली चलो फिर मैं क्यों रुकूं, मैं भी जाती हूँ है, अभी औरंगाबाद वाले वापिस आएंगे, कब आएंगे क्या मालूम, आएंगे नहीं आए, बाहर गए थे मैंने बताई थी ना आप लोगों को, अल्लाह मेरे बच्चे को देखो जरा, क्या मेरा बच्चा तो शांत क्यों है, नींद में छोटा है इसके लिए, गाय अभी ये मत बोलना मेरा बच्चा क्या करती है, वो बाबू भाई का भी है, ये भी आ गया यार, सब लोग माँ बोले मेरा बच्चा मेरा बच्चा, मैं भी बोलता मेरा बच्चा, नहीं मेरे को बहुत एक दो जन बहुत ज्यादा चाहते मेरे को मेरी बात, और मैं बोलती हूँ मैं भाई, तो ये बोलती है इसका भाई। सो गाइस चलो फिर क्या करते हैं, अभी लोग को लेके जाती हूँ मैं, उसकी कोई गारंटी नहीं लेती, वहाँ जाने के बाद भी मैं व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि मैं आई ना घर पे तो ये लोग सो रहे थे, तो मैंने क्या कि व्लॉग को एडिट किया, थंबनेल बनाया, उसको लाइव किया, अब भी जस्ट 2 मिनट पहले मैं फ्री हुई हूँ, तो मैंने चलो अभी मैं फ्री हो गई तो चलती हूँ, तुम लोग के साथ ज़्यादा नहीं बैठेंगे, आधा पौना घंटा बैठेंगे, फिर आऊँगी, फिर एक वीडियो की एडिटिंग करूँगी, क्योंकि 2-3 वीडियो है जिसको मुझे एडिट करना है कंपलसरी, फ्री होना है मुझे जल्दी, आप लोग मानोगे नहीं, हमारा पूरा घर देखा जाए तो सब लोग खुद अपना इंडिविजुअल काम करते, किसी की टीम नहीं है, सब लोग शादी के साथ अपना काम भी देख रहे, फंक्शन भी अटेंड कर रहे, प्लस एडिटिंग भी कर रहे, फिर आके लाइव भी करते, भले रात के 2 बजे आया फंक्शन से, चाहे घर के अंदर कुछ भी रहे, कोई भी फंक्शन रहते, हल्दी मेहंदी साचक शादी निकाह वलीमा है बाबू, कल रुक जाओ बेटा, कल जैसे कि मैं आई 2 बजे रात में, आके 2 बजे मैंने एडिटिंग किया और 4-5 बजे अपना ब्लॉग डाला, वैसे ही सब लोग काम कर रहे हैं, डाल रहे हैं, सब थके हुए, इवन 14 तारीख से लेके अब तक के किसी की भी नींद कम्प्लीट नहीं है बाबू, नहीं अरे बाप रे, जो सबसे ज्यादा सो रहे ना वही लोग बोल रहे हैं कि मेरी नींद कम्प्लीट नहीं हुई है, बोलने की बात नहीं, सिस्टम में कंप्लीट कर रहे हैं, चलो चलो हां परे परे घर पे 12 घंटा सोने की जिसको आदत होगी ना, अच्छा 12 घंटे उसकी नींद कभी सोता हो, क्या झूठी बात करते हैं आदमी, कसम से अब इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी अब इसके बाद, नहीं बोल के कोई मतलब ही नहीं, क्या बोल रहा है बेटा, हां बोलो, हां नहीं तो क्या, तो ऐसे ही होता है, नहीं तो क्या, मैं आप लोग मानोगे नहीं, मैं हल्दी के एक दिन वही 14 तारीख से लिटरली एडिटिंग किया, 7 वीडियो को एडिट करके अपलोड करके लाइव मतलब अनलिस्टेड करके शादी में गई थी, 3 दिन वहाँ शादी अटेंड करने के बाद इतना पॉसिबल ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे हल्दी मेहंदी रात में चलती है और वहाँ पे वाईफाई आप लोगों को प्रोवाइड होगा नहीं होगा इसकी कोई हम लोग को नॉलेज नहीं थी, तो इसके लिए हम लोग ने आप लोगों को पता है मैंने सारी चीज़ अनलिस्टेड की, अब वहाँ जो बना गया है अब वो चीज़ मुंबई के लिए पेंडिंग हुए, तो वो मुंबई में आके हम लोग निपटा रहे, तो इसलिए थोड़े व्लॉग भी लेट मिले आप लोगों को, कुछ लोगों ने गलत जज भी किया कि आप लोग इतना क्या हम लोग को रुला रहे सता रहे, व्लॉग डालो ना व्लॉग डालो ना, तो चीजों को समझो, हम लोग भी किसी और के घर पे थे हैं बाबू, इतना आसान नहीं, फिर उन लोगों का काम थोड़ी हम लोग की जैसा कि हर जगह वाईफाई अवेलेबल हो, हर जगह हर चीज अवेलेबल हो, तो हम लोग अपने हिसाब से काम कर रही है ताकि आप लोगों को मिलते रहे जो हम लोग कर रहे हैं, हाँ थोड़ा लेट हो गया कोई बात नहीं, लेकिन बासी नहीं बोल सकते ना उस चीज को, कुछ लोग बोल रहे बासी है, बासी कैसे हुआ, आप लोग के लिए तो नया है ना, आप लोग तो पहली बार देख रहे हैं ना, और रिपीट रिपीट कैसे हुआ, मेरे को एक बात बताओ, अब मैं हूँ एक ब्लॉगर, डेली ब्लॉगर हूँ, अब डेली की लाइफ में मैं जो करती हूँ मैं वही बताऊंगी, तो मैं मेरे भाई की हल्दी में जा रही हूँ तो मैं हल्दी ही बताऊंगी ना, मैं कहाँ से कुछ नया बताऊंगी मैं कहाँ से कुछ नया बताऊंगी, अब फिर ऐसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते कि मेरे घर में शादी चल रही है और मैं आप लोगों को कुछ और ब्लॉग दूँ, तो मैं देखेगा भी नहीं, नहीं बहुत सारे लोग बोल रहे हैं क्या तीनों भाई बहनों के चैनल पे एक ही जैसा कंटेंट चल रहा है, तो घर हमारा है सगे भाई बहन हम लोग,
हम लोग की डेली लाइफ में वही चोर है तो वही देंगे ना। अभी शादी यहाँ चल रही है, उन लोगों को छोड़ के मारा में जाके ब्लॉग बनाओ क्या, बाकी कुछ करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है अभी तो ऐसा है। चलो कोई नहीं, अभी देखते हैं मैं इंशाल्लाह ये सैटरडे संडे कहीं तो भी घूमने जाऊंगी। बाबा मैं बहुत थक चुकी हूँ इसलिए मेरे को क्या बेटा सैटरडे संडे मंडे भी, हाँ मंडे भी छुट्टी है ना, मंडे छुट्टी है, मंडे छुट्टी थी और सैटरडे को रिजल्ट है। चलो मैं ये व्लॉग को यही एंड कर देती हूँ, जल्दी चेंज कर, हमें सैटरडे को रिजल्ट है और मंडे को छुट्टी इसके लिए ही है क्योंकि सैटरडे को रिजल्ट है ना स्कूल तो उसमें जाना ही पड़ेगा। हाँ कल मेरी बच्ची का रिजल्ट है, अरे ये भी एक अलग टेंशन था, एक दो असाइनमेंट बाकी चले गए थे एक हिसाब से देखा जाए तो। आने के बाद हम लोग ने कल कल वली में से आने के बाद वो असाइनमेंट को भी चिपकाया था, मैंने 30 रुपए जमा की थी उसमें से अभी यादें मेरे। गाइस यहां खत्म नहीं होने वाला, मेरे घर में चलते रहता है तो ये व्लॉग को मैं यही एंड करती हूं नहीं तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़ बाबा, अपना ख्याल रखना, अपनी दुआ में याद रखना, बाय। और मैंने इसलिए मिलाया ये व्लॉग को चालू किया ताकि मैं आप लोगों को अपने भाई से मिला सकूं, मैंने मिला दिया ना, मिले ना अच्छे से, बाय। आई लव यू गाइज, बहुत सारा प्यार दिया आप लोगों ने और साथ ही साथ मुझे बहुत सारा सपोर्ट भी किया, जैसे कुछ लोग नहीं समझ रहे थे तो वैसे बहुत सारे लोगों ने मेरे सपोर्ट में बोला भी, हमारे सपोर्ट में बोला भी कि गाइज वो लोग बिजी रहेंगे, टाइम नहीं मिल रहा होगा एडिटिंग के लिए, समझो जरा घर में शादी है, ऐसे समझाने वाले भी बोलते तो बहुत सारा प्यार दिल खुश कर देते सच्ची में, दूर रह के भी इतना प्यार देते ना उसके लिए बहुत खुशी होती है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, समझी। कल दिखा रहा है गिफ्ट ओपनिंग होएगी इसके चैनल पे, कल तुमको क्या हो गया था भाई, किसके चैनल पे होगी गिफ्ट ओपनिंग, तुमको क्या हो गया था, मेरे को क्या हुआ था कल, तो नाचेंगे नहीं शादी में, भाई की शादी में, मेरे भाई की शादी में नाचो नहीं सही सही सा बोल बोल करवाऊंगा ठीक है।